अभी तक सरकार वैक्सीन लगवाने पर लोगों पर जोर डाल रही थी और साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर जिन लोगों को पहली या दूसरी डोज नहीं लगी है उनको मनाही भी की जा रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है क्योंकि ये उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ ऐसे ही टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। इसी बीच टीकाकरण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। आपको बता दें सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि फैसले में सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है। आगे कहा गया है कि सरकार शर्तें भी लागू कर सकती है। जस्टिस नागेश्वर राव और बीआर की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, ये उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा टीकाकरण नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमानी नहीं की जा रही थी। अदालत ने आखिरी में ये भी कहा है कि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने की पाबंदी लगाई थी, ये सही नहीं है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।